नमस्कार दोस्तों, डीजे अपडेट में आपका स्वागत है। और आज लेके आया हूँ एटोन प्रोवाइड यू, जो कि जयपुर से है यहाँ पर इंडिया में। बाकी इनका इंग्लैंड से इंपोर्ट करवाते हैं लोग, इंपोर्ट इंग्लैंड में, इनका जो भी है लेन देन करने वाला सिस्टम वो इंग्लैंड में है, है ना। ये रहा आपका 21 इंची, और ये रहा 18 इंच, जिसका पेपर कॉन थोड़ा अलग है। अलग बोले तो कलर मैट कलर है, और 4 पिक्स की 8 मैग्नेट लगी हुई हैं छोटी छोटी, है ना। बाकी ये एक 18 इंच का रेड कलर में, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग रहता है इनका कलर का। बाकी नॉर्मल ब्लैक कलर का चलते हैं ज़्यादातर, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है, रेड ब्लू पिंक इस टाइप का, है ना। बाकी स्पीकर तो सभी क्रोम मॉडल में है ज़्यादातर इनके पास, है ना। गंदे हो रहे थे थोड़े से, क्योंकि कैमरे में भी गंदे दिख रहे हैं हाथ लग लग के। एट उनकी वॉइस कोयल का मटेरियल भी बहुत शानदार है दोस्तों, इंग्लैंड से इंपोर्ट करवाते हैं ये लोग, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। डायफ्रेम वगैरह की छोटे से लेके बड़े डायफ्रेम, टोटल ऑल रेंज इनके पास अवेलेबल है वॉइस कोयल में भी, है ना। और HF कैटेगरी भी बहुत शानदार है दोस्तों, है ना। फ्राइड से लेके न्यूडिनियम से लेके प्रेशर मेट, प्रेशर से छोटे से बड़े से लेके टोटल HF रेंज इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। प्रेशर मेट 400 वाट वाला है ये, बाकी फ्राइड वाले आपको HF मिल जाएंगे। न्यूडिनियम में भी 2-3 मॉडल हैं इनके पास, है ना। कुछ मॉडल तो दोस्तों ऐसा लगते हैं सेम, जैसे कि सेम एटोन में भी वही है, अदर कंपनी में भी वही है, है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है इम्पोर्ट करवा रहे हैं, सेम का सेम मटेरियल आ रहा है दोस्तों, सिर्फ नाम चेंज है ऐसा लगता है देखने में, है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है किसी किसी में, जैसे कि वॉइस कॉइल का अंतर है दोस्तों, और किसी में स्पाइडर वगैरह, किसी में पेपर कॉन का अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। बाकी चेसिस और मैग्नेट वगैरह तो सेम, देखने में बिल्कुल सेम लग रही है ना, लेकिन डिफरेंट उसी का रहता है सिर्फ चेसिस, मैग्नेट का नहीं, वॉइस कॉइल का ज़्यादातर अंतर रहता है। M6 जो कि न्यू मार्केट का ओरिजिनल आता है दोस्तों, सेम एटोन में भी है, 2 कॉफी बिल्कुल, ठीक है। M4 जो कि न्यू मार्केट का ओरिजिनल है, उसमें भी एटोन में भी सेम देखने को मिलता है, कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस है। न्यू मार्केट से आप कंपेयर करोगे तो आधे से भी आधा प्राइस है इसका, ठीक है। ये आपका कुछ स्पाइडर रखे हुए थे, बहुत शानदार क्वालिटी के थे, सब जैली स्पाइडर थे, है ना। और ये अंदर ही इंडोर में इनने एक बेस रखा हुआ था, डबल बेस और एक सिंगल लाइनर है, जिसका छोटा सा एक टेस्टिंग भी सुना रहे थे ये लोग, वो भी ऐड करता हूँ दोस्तों इसमें मैं। क्या रिस्पॉन्स है इसका, 18 इंच वाला है ये, है ना, आप सुनिएगा ज़रा। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर ठोक दें, और सब्सक्राइब यदि नहीं करा तो और भी अच्छी बात है, कर लें फटाफट। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।